अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो व्यूअर्स, अभी 8:30 हो रहे हैं और मैंने ब्लॉग अभी स्टार्ट कर दिया और सुबह सुबह का टाइम है और बहुत सर्दी लग रही है आज। और बच्चों की याद आ रही थी कि बच्चे इस टाइम पे उड़ जाते थे और मुझे भी उठा देते थे, आज बच्चे हैं नहीं। तो सुबह सुबह ही मैंने कहा जल्दी से घर का सारा काम खत्म कर लूँ और उसके बाद जो ना फिर इंशाल्लाह रेस्ट करूँगी। आज रेस्ट करूँगी तो किचन पे लेके चलती हूँ, किचन में खाना बन रहा है तो मम्मा जॉब पे जाने की तैयारी कर रही हैं तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो मैं मछली लेके आए थे तो मम्मा ने सुबह सुबह मछलियों की सफाई वगैरह की बहुत किया और अभी मछली फ्राई हो रही है। मम्मा लंच लेके जाएंगी तो लंच घर से लेके जाते हैं, तो ये देखिए ऑयल ख़त्म हो गया। तो फिर 1-2 दिन में इंशाल्लाह जाएंगे ग्रॉसरी लेने, तो जितना है उतना गुजारा करना है। 1-2 दिन में वैसे भी जाएंगे ग्रॉसरी लेने। और ये देखिए मसाले लगा के फ्राई कर रहे हैं, फिश मुझे बहुत अच्छी लगती है। हमारे घर ज़्यादातर फिश और इस तरह की चीज़ें बनती है क्योंकि नॉन वेज है सारे। तो अभी अभी नाश्ता बनाया है जन्नत ने और ये है चाय। बाकी मम्मा फिश फ्राई कर रही हूँ, सुबह सुबह बर्तन वगैरह सारे वॉश कर रही हैं। तो अभी मुझे ना अच्छी वाली नींद आ रही है तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर सो जाऊँ, थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ। और आज तबीयत भी नहीं ठीक लग रही, घबराहट हो रही है। आज तबीयत बिल्कुल भी नहीं ठीक लग रही है, पूरा जो ना जिसम टूट रहा है, ऐसे लग रहा है बुखार हो रहा है। और अभी थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर इंशाल्लाह दोपहर में मिलूंगी। बाकी वीडियो जो है ना वो दोपहर में शूट करूंगी। तो अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, थोड़ी देर आराम करती हूँ। पूरा ब्लॉग देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। थैंक यू सो मच, कल की वीडियो में आप सबने बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट्स किए हैं, तो थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट्स किए हैं और आप लोग के कॉमेंट्स से जब अच्छे कॉमेंट्स आते हैं ना तो इतना दिल खुश होता है। तो इंसान की सोच सोच की बात होती है, जिसकी जैसी सोच, जिनकी सोच अच्छी होती है ना वो अच्छे कमेंट करते हैं, जिनकी सोच गंदी होती है वो गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं। तो गंदे कमेंट्स वालों को तो मैं इग्नोर करती हूँ, लेकिन जो अच्छे कमेंट्स करते हैं तो उनका मैं बहुत 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 थैंक यू सो मच, उनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। तो अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, थोड़ी देर सोती हूँ, तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे थोड़ी देर बाद दोपहर में। बल्कि हाय गाइज, वेलकम बैक। तो गाइज मैं सुबह सो गई थी तो अभी 1:30 बज रहे हैं, तो मैं अभी उठी हूँ। तो मुझे जल्दी जल्दी खाना बनाना है क्योंकि थोड़ी सी देर हो गई है। तो मैं जाती हूँ किचन में और खाना बनाती हूँ और उसके बाद आप लोगों को भी दिखाती हूँ। उसके बाद खाना बनाने के बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ क्योंकि देर बहुत हो गई है, काम ज़्यादा है, टाइम कम है। तो मिलते हैं किचन में जाके। तो व्यूअर्स, खाने में आज बनेगी फिश, और फिश लाए थे भैया सुबह समंदर, वो सॉरी फिशरी से। तो ये देखें, ये जो ना मम्मा सुबह थोड़े से साफ करके गई थी, बाकी जो है वो भैया खुद साफ कर रहे हैं। तो ये वाला भी मैं इसका सालन बनाऊंगी और दिखाती हूँ कि भैया किस तरह साफ कर रहे हैं। और ये है भांगड़ा, और ये भी बड़ा टेस्टी होता है, इसमें भी बड़ा जायका होता है। और देखिए भैया साफ कर रहे हैं, भैया लोगों को प्रैक्टिस है ना, क्योंकि वो लोग समंदर में पकड़ते हैं तो फिर उनको हर चीज़ का आइडिया होता है। और ये देखिए, तो मछली में लगाते हैं मसाला पहले। अब मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ, हल्दी मिर्ची और नमक इसमें लगाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो व्यूअर्स, फाइनली मैंने ना ये सिलेंडर पर रखा है मछलियाँ फ्राई करने के लिए क्योंकि गैस कम आ रहा है। तो फिर स्टार्ट करते हैं मछली फ्राई करना। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं फिर फ्राई फिश बनाती हूँ, फ्राई करके फिर सालन बनाती हूँ। तो फाइनली व्यूअर्स, ये वाली तो हमारी फ्राई हो चुकी है, ये सालन के लिए हमने फ्राई की है। और ये जो मछली है इसको हम फ्राई करेंगे फ्राई फिश बनाने के लिए। तो इसको थोड़ा सा ना सही फ्राई करना है, इसको मैंने लाइट फ्राई किया लेकिन इसको थोड़ा सही फ्राई करना है क्योंकि ये खाली फ्राई करेंगे, बाकी इसका बनेगा सालन। तो मसाला लगाने के बाद रेसिपी की तरफ आते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो व्यूअर्स, फाइनली ये वाली फिश भी हमारी फ्राई हो चुकी है और ये वाली भी फ्राई हो चुकी है, और सालन का हमारा पूरा टोटली मसाला रेडी है। प्याज टमाटर और ये है लहसुन, प्याज और लहसुन, और ये है टमाटर और हरी मिर्ची। तो सबसे पहले ले ली हमने कढ़ाई, उसके बाद कढ़ाई में तेल ऐड करेंगे, उसके बाद आते हैं अपने रेसिपी की तरफ। तेल गर्म करके इसके अंदर प्याज डालेंगे, प्याज और लहसुन ऐड कर दिया, गोल्डन ब्राउन करने के बाद मिलते हैं। टमाटर, हरी मिर्ची और हल्दी मिर्ची और नमक हमने इसमें ऐड किया, उसको भूनने के बाद इसके अंदर हमें जितना पानी रखना है वो डालेंगे, उसके बाद फिश ऊपर से डाल देंगे क्योंकि आज बगैर सब्जियाँ बना रहे। और ये देखिए चावल बन चुके हैं,
तो भी बस अब इसको ना हमें ढांक के ना रख देना है जब तक ये हमारा जो है ना शोरबा उसमें बॉईल आए, जब तक हमें इसको पकाना है, उसके बाद दिखाते हैं फाइनल लुक। तो व्यूअर्स खाना तो मेरा बन रहा है लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम ये हो गई है कि मेरे मोबाइल में ना चार्ज नहीं हो रहा। मोबाइल को रात भर मैंने मोबाइल को चार्ज में लगा के रखा था लेकिन मोबाइल में बिल्कुल भी नहीं चार्ज हो रहा, और ये तो एक बहुत बड़ी परेशानी वाली बात है। इस वक्त मोबाइल में 11 पॉइंट है लेकिन पता नहीं क्या मसला है, मोबाइल जो ना चार्ज नहीं हो रहा। इस वक्त लाइट भी नहीं है तो हो सकता है कि मैं फाइनल लुक ना दिखा पाऊँ, लेकिन कोशिश करूँगी कि फाइनल लुक दिखा दूँ। लेकिन इस वक्त मोबाइल में चार्ज ना होने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो अभी तो खाना वैसे ही रेडी होने वाला है तो कोशिश करूँगी अगर मोबाइल में जान होगी तो मैं वीडियो ज़रूर शूट करूँगी, और अगर मोबाइल में जान नहीं होगी तो फिर मैं वीडियो नहीं शूट करूँगी। तो मिलते हैं कि शूट करूँ ना करूँ, तो फिर आप लोग पूरा ब्लॉग देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज तो पूरा घर खाली 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 हुआ है क्योंकि बच्चे हैं नहीं आज, तो बच्चों के बगैर कोई ज़िंदगी नहीं है। बच्चे होते हैं तो घर में रौनक होती है, और आज बच्चे नहीं है तो घर पूरा खाली हुआ है। तो चलो कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है, वैसे भी कल आ जाएंगे, आज एक ही दिन की बात है, तो फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो व्यूअर्स ये है हमारा सालन का फाइनल लुक, फाइनल लुक ये है और सालन रेडी हो गया है। तो इसके बाद मैं मोबाइल को रखूंगी साइड पे क्योंकि मोबाइल में नहीं है चार्जिंग, तो फिर जब तक लाइट नहीं आती जब तक तो उसको बचाना है। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो अभी लगाती हूँ खाना, तो फिर खाने के बाद मोबाइल को चार्ज करने के बाद फिर मिलते हैं। तो व्यूअर्स खाना पीना तो हो गया था, खाना वाना खा लिया था, तो अभी टाइम हो रहा है 3:30 बजे, टाइम मैंने नहीं देखा, अंदाजन 3:30 बजे। तो मैं पढ़ती हूँ नमाज, तो माशाल्लाह मेरा मोबाइल हो रहा है चार्ज, इस वक्त मोबाइल चार्ज पर लगा हुआ है। तो मैं पढ़ती हूँ नमाज, तो नमाज पढ़ने के बाद मोबाइल को करना फुल चार्ज, उसके बाद जो है ब्लॉग शूट करूँगी। तो पहले पढ़ती हूँ नमाज, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो बना लूँ तो नमाज पढ़ने के बाद। और एक बात और करनी थी कि मेरी जो ना भांजी है जन्नत फिरदौस, जो ब्लॉगर है, वी सिस्टर, तो जिनके घर में गई हुई थी, जो उनकी छोटी वाली बेटी है ना जन्नत, वो अनाया की ना तबीयत बहुत ख़राब है ना, तो दुआओं की अपील है कि आप लोग बहुत सारी दुआएं करें कि अल्लाह पाक मेरी भांजी को ना सेहत और तंदुरुस्ती दे और वो ठीक हो जाए। वो बात ये है ना कि मेरी आपी को ना हेपेटाइटिस है, तो हेपेटाइटिस की वजह से जब बच्चे होते हैं ना तो फिर बच्चों को ना तो कुछ ना कुछ मतलब वसला हो जाता है, फिर सारे बच्चों का इस तरह इलाज हुआ है, उसके बाद जो ना मतलब माशाल्लाह फिर सही हो जाते हैं, बड़ा छोटा माशाल्लाह से उनके 4 बेटे हैं और 2 बेटियाँ, अल्लाह पाक उनकी उनको ज़िंदगी दे, उनको नेक और फरमाबरदार बनाए माशाल्लाह। तो मतलब मेरी जो ना मेरे सिस्टर के बच्चों के साथ ऐसे होता है, तो आप तो बहुत सारी दुआएं करें कि मेरी जो ना भांजी की तबीयत ठीक हो जाए और वो सेहत तंदुरुस्ती वाली, अल्लाह पाक उसको ज़िंदगी दे और वो बिल्कुल अच्छी सी तंदुरुस्त और सेहतमंद होकर ना इंशाल्लाह वो उनको ना छुट्टी मिल जाए हॉस्पिटल से और उसका अच्छे से ट्रीटमेंट हो और वो बिल्कुल ठीक ठीक हो जाए माशाल्लाह। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो घर की रौनक होते हैं, लेकिन जब बच्चों को कुछ हो ना तो फिर इंसान की जो ना जान खत्म हो जाती है। और मेरी तो मेरे भांजे और भांजियों में मेरी तो ज़िंदगी बसती है, और जैसे मेरी अपनी औलाद है वैसे मेरी भांजी और मेरे जो भांजियाँ माशाल्लाह मेरी जो बहनों के बच्चे हैं, तो मेरी तो वही ज़िंदगी बसती है बहनों के बच्चों में माशाल्लाह से। और माशाल्लाह मेरी बड़ी वाली सिस्टर के भी माशाल्लाह से कितने माशाल्लाह 5 उनके बेटे हैं, अबूबकर, उमर, उस्मान, अली, मुर्तज़ा, 5 माशाल्लाह बेटे हैं और उनकी एक इकलौती बेटी है, तो हमारा भी एक इकलौता भाई है। तो खुशी होती है, अपने तो फिर अपने होते हैं ना, तो फिर दिल खुश होता है माशाल्लाह। और मेरे 2 बेटे हैं माशाल्लाह से, तो बहुत खुशी होती है। अल्लाह पाक जो ना इसी तरह रखे, सबके दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत रखे। और मेरे असद और अहमद की मुझे बहुत याद आ रही थी। तो चलिए मैं पढ़ती हूँ नमाज, नमाज पढ़ने के बाद फिर इंशाल्लाह मोबाइल चार्ज करने के बाद फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। तो पूरा ब्लॉग देखिएगा, थैंक यू सो मच। तो मैं जाती हूँ नमाज पढ़ती हूँ। गुड इवनिंग व्यूअर्स, तो अभी बज रहे हैं 5:30 और मैंने कहा था थोड़ी देर सो के रेस्ट करूँगी लेकिन नींद नहीं आई नमाज पढ़ने के बाद, कुरान पढ़ने के बाद ऐसी लेटी हुई थी, मोबाइल चला रही थी, टिकटॉक में मशरूफ थी और नींद जो ना नहीं आई है। तो मोबाइल जब देखो तो फिर नींद कहाँ आती है। तो फिर अभी मैंने कहा चाय बना लूँ और फिर जो ना किचन का थोड़ा सा काम बाकी है, तो वो देखे मैंने दूध निकाल के रखा हुआ है वहाँ पे पाकोला। तो अभी मैं पहले बनाती हूँ अपने लिए चाय और फिर पीती हूँ चाय, थोड़ी सी फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद ब्लॉग को करती हूँ कंटिन्यू, आगे करती हूँ ब्लॉग को। तो अभी तो जो ना बर्तन वगैरह वॉश करना है, थोड़ा सा काम है, तो मैंने चलो वीडियो स्टार्ट कर दूँ। और मोबाइल में चार्जिंग हो गई है 77%, तो थोड़ा सा शूट करने के बाद फिर लगा दूँगी चार्ज भी। तो चले मेरे साथ चले चाय बनाते हैं।